हेलो सब गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। तो गाइस हम तो प्रेस के लिए चले गए एक्स्ट्रा वेगास। तो कि गाइस जैसे कि आप सब लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमारी दुश्मनी होती है माफिया के साथ एंड हमको मिली थी हमारी दोस्त वेरा। तो कि गाइस वेरा एक सिटी की बहुत ही ज्यादा बड़ी गैंगस्टर है एंड वो अभी हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त बन चुकी है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने वेरा के अंडर काम करने एक लड़की ने हमको बचाया था जिसका नाम था केरन। तो ओके गाइस लास्ट वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गया था हमारा, तो इसलिए मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए सेकंड वाला एपिसोड। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमको जो वेरा मिली थी उसने हमकी दोस्ती करवा दी थी ई मैन के साथ। ई मैन भी वेरा का बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हमारे जैसा ही दोस्त थे। ई मैन का मेरे को अभी कॉल आया था एंड गाइस वो हमको कह रहे कि हमको एक रेस को जाना है, तो देखते हैं हमको रेस को जाना है तो फटाफट से चलते हैं भाई साहब रेस को, मजा आने वाला है भाई। रेस को जाना है, रेस गर्ल के साथ हमारी एक रेस है तो फटाफट से रेस को चलते हैं। तो ओके गाइस जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो मेरे सामने खड़ा है ई मैन अभी हम जाने वाले कार के अंदर से रेसिंग करने के लिए। तो ओके गाइस अभी ना रेस भीज गई बाढ़ के अंदर। अभी मेरे को सीधा का सीधा केरन का कॉल आया था एंड केरन की जान खतरे में। केरन को कुछ दुश्मनों ने मतलब कि कुछ गुंडों ने छेड़ा है तो हमको फटाफट से केरन के पास जाना है एंड उन गुंडों को मार डालना है। तो फटाफट से केरन के पास चलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के सीधा उस जगह पर जाते हैं। तो ओके गाइस जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं फटाफट से पहुंच चुका हूँ केरन के पास एंड केरन कह रही है उस गाड़ी के अंदर बैठना है एंड सीधा चले जाने उन गुंडों के पास उनको मारने के लिए। तो फटाफट से चलते उन गुंडों के पास, देखते हैं कितने सारे बंदे हैं वहाँ पर। वो कह रही बहुत सारे नहीं है, थोड़े थोड़े बंदे। तो फटाफट से मेरी ड्राइविंग देख सकते हो आप, मैं फटाफट से चलते हैं हम वहाँ पर एकदम फुल ऑन स्पीड के अंदर चलते। तो ओके गाइस अभी ना मैं सीधा पहुंच चुका हूँ, गाड़ी एकदम से फुल स्पीड के मैं अंदर भगाते भगाते टूट गई भाई, पहली बार टूट गई है गाड़ी। लेकिन गाइस सॉरी अभी ना मैं फटाफट से पहुंच चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर हमको जाना था, वहीं पर एक गुंडे है शायद से। ओ भाई साहब यहाँ पर कितनी ज़्यादा शांत जगह है भाई। तो फटाफट से हम ना गाड़ी के अंदर से उतर लेते हैं अभी एंड वो रहे सामने गुंडे एंड केरन उससे बात कर रही है एंड वो कह रहा है मैं नहीं था एंड वो सीधा भागने लगा है। ओ भाई साहब, ओ केरन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, हमको उसको पकड़ना है कुछ भी करके हमको उसको पकड़ना है भाई साहब। ओ भाई उसके गुंडे आ गए, फटाफट से हम यहाँ पर हाइड हो जाते, छुप जाते यहाँ पर। ओके केरन ने हमको गन दी है, बस हमको उनको मारना है, वो आने का वेट करना है। ओ आ गया, ओ भाई साहब दो सामने से आ रहे हैं। ओ भाई इनके पास तो राइफल है, फटाफट से मारते इनको। ए तू भी चल फटाफट से, मेरे को हेल्थ नहीं, मेरे पास हेल्थ किट नहीं है एंड आर्मर भी नहीं है। आउच, फटाफट से। ओ भाई गुंडे आते ही जा रहे, हाइड कर लेता हूँ। आने दो। जब वो रिलोड को लगाएंगे तभी मैं उनको मारूंगा। फटाफट से। ओ भाई आ गया। ओ रुक जा, निकल। ओ मेरी गन रिलोड। ओके रिलोड कर लेता हूँ। ओ अच्छा हुआ, मार दिया। अभी ना फिलहाल और भी ज्यादा बन जा चुके। ओ भाई छुपो भाई, आधी से ज्यादा हेल्थ कर दी मेरी। मारो साले को, इसको भी मारो फटाफट से। ओ भाई ये मार रहा है मेरे को इतनी क्लोज आके, साले तेरी हिम्मत भी है क्या भाई, मेरे से हाथ में गन है एंड बुक्के से मार रहा है मेरे को, पागल कहीं का। ओ भाई साहब अभी ना गाइज नॉन स्टॉप बंदे आते ही जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो वो फाइनली गाइज हमने मार दिया है उन सभी को। जेसन तो हमारा नाम है, केरन बहुत ही ज्यादा खुश है हमके ऊपर। तो फाइनली यार हमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया भाई साहब, केरन बहुत ही ज्यादा खुश है हमारे ऊपर एंड अभी वो जो चीज वेरा को बताने वाली है तो फटाफट से चलते हैं यार वेरा के पास। तो कि गाइस अभी हमको केरन ने खुश होकर $57,000 दिए, ये कुछ ज़्यादा ही प्राइस है, मतलब कि मेरे लिए कम ही है, आपके लिए कम है लेकिन मेरे लिए पहली प्राइस $57,000 भाई साहब एकदम से बढ़िया यार। कि गाइस अभी ना मेरे को वेरा का कॉल हो चुका था, वेरा कह रही है कि वो उसके जो अपोजिट का माफिया है, माफिया के सारे पोस्टर हमारे सिटी के अंदर लगा कर रखे। तो फटाफट से हमको जाना है उस पोस्टर के पास एंड आरपीजी से धड़ाधड़, मतलब कि वेरा जो है उसने हमको बहुत सारे ये दिए ग्रेनेड, मतलब कि 100 ग्रेनेड दिए हमने वेरा ने हमको, तो उन्हीं ग्रेनेड से हमको माफिया के जो पोस्टर है वो सारे के सारे ब्लास्ट कर देने। ओ भाई साहब ये पुलिस के पीछे पड़ गई, ओए
यार पुलिस तो अलग ही गंजड़ी है भाई, हम हमारी मिशन कर रहे हैं एंड ये पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। भाई साहब इतना ज्यादा गंजड़ीपन कौन करता है क्या यार। तो की गाइस अभी ना मैं सीधा गाड़ी भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ उस लोकेशन पे एंड अभी हमारी गाड़ी फूटने ही वाली है। तो फटाफट से गाइस ये देखो यही है वो पोस्टर्स एंड वो ये रहा माफिया। भाई साहब कितना ज्यादा मोटा है ये, ओ भाई इतना ज्यादा मोटा है भाई माफिया। तो फटाफट से हमको ग्रेनेड फेंक के ये सब फोड़ देने सारे के सारे माफिया के स्टिकर्स। ये देखो पहला तो फोड़ दिया हमने, तो फटाफट से बहुत सारे यहाँ पर वो सारे के सारे फोड़ देने हम। ओ भाई मैंने दो दो डाल दिया गलती से। तो कि गाइस शायद से ना नेक्स्ट बैनर के यहाँ पर वो माफिया के बंदे हैं, तो फटाफट से हमको उनको। ओ भाई साहब इनके पास तो गन है, मेरे पास सिर्फ बैम्बू है। बैम्बू मतलब कि उसको दांड का कुछ तो कहते हैं, वो है मेरे पास बेसबॉल की बैट है। ओके मैंने ग्रेनेड डालकर यहाँ पर इसको मारते थे ग्रेनेड डालकर पहले तो। ओ भाई मर गए। चलो सेकेंड पोस्टर भी हमारा ब्लास्ट हो चुका है, अभी चलते थर्ड पोस्टर के ऊपर। भाई साहब इस माफिया की हिम्मत कैसे हुई गाइज हमारे एरिया के अंदर खुद के पोस्टर लगा कर गया, क्योंकि केरन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो। ओ भाई साहब लेकिन उसको पता नहीं हमारा प्लान जो होता है वो सीधा मास्टर प्लान होता है, ऐसा वैसा प्लान हम नहीं करते। एंड गाइस यहाँ के बंदे हमको डर कर भाग चुके हैं। भाई साहब यार एकदम बढ़िया। तो ओके गाइस अभी ना हम फटाफट से आगे चलते हैं। एंड ये क्या हुआ? ओ भाई साहब गाइस हमको माफिया के बंदों ने मार डाला। ओ भाई साहब तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड गुड बाय। आई नो गाइस वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, लेकिन यार नेक्स्ट टाइम बड़ी वीडियो आएगी। आप मेरे को कमेंट्स में सजेस्ट करो कि कितनी मिनट्स की वीडियो डालूं।